उन्मेष। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री शेखर चंद कुंडू के अनुसार प्रशांत भूषण के दो ट्वीट ने मचा दी है खलबली। प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कार्बेलिया सरस्वती क्लब और शांति भूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कुपोषण से शिकार बच्चों को दिया गया संतुलित आहार। माकपा नितुड़िया एरिया कमेटी द्वारा रविवार को बुनियारा अंचल में विरोध प्रदर्शन। ये थी आज की प्रमुख खबरें। खबरें अब विस्तार से। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री शेखर चंद कुंडू के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के बावजूद प्रशांत की दो ट्वीट ने मचा दी है खलबली। उसके खिलाफ केस शुरू हुआ। बाद में प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस के ट्वीट के बारे में थोड़ा शरारती लहजे में लिखा, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि बाइक को स्टैंड में रखा गया था, उस स्थिति में हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने लिखा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 14 अगस्त को इसी मामले में प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया। अदालत ने उस दिन कहा, ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं, न्याय करते समय पोस्ट करने वाले व्यक्ति की मनसा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का उल्लेख करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, न्यायपालिका लोकतंत्र का मुख्य आधार है, नतीजतन यदि आप इसकी नींव को हिलाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक मजबूत हाथ से निपटना होगा। हालांकि प्रशांत भूषण के वकील दुष्मंत दवे ने सुनवाई के दौरान बार बार कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा किसी भी तरह से अदालत का अपमान करने का नहीं था। उन्होंने यह टिप्पणी एक व्यक्ति के बारे में की। हालांकि उस तर्क में अंत में यही आया, यहां तक कि शीर्ष अदालत ने पिछले बुधवार को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि प्रशांत अभी भी अपने बयान में अड़े हुए हैं। सोशल मीडिया अपनी रीढ़ को सीधा रखने के प्रशांत के रवैये की आलोचना कर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा है, कभी भी खुद को सही साबित करने के लिए या अपने भविष्य के लिए किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। यदि आप सही हैं और आप जानते हैं तो अपने मन से पूछें। भले ही आप अल्पसंख्यक हो, सच्चाई यह है कई लोगों ने प्रशांत की तुलना गांधी जी के रवैये से की है। किसी ने कहा, हमारे समय का हीरो। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप प्रशंसा के कई शब्दों से भरे हुए हैं। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री शेखर चंद कुंडू ने कहा है, प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण की इस मानसिकता को बुझाने के लिए 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे आसनसोल रविंद्र भवन के सामने एकत्रित होंगे और वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे माननीय तपन दास महाशय। प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी जी के याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एकता मंच के द्वारा 23 अगस्त को किया गया, जिसमें आसनसोल के अब्दुल मुनाफ इलियासी और दूसरे MIC पर पंडित ललित गिरी जी सदर, सैयद अफरोज निजामत, इम्तियाज़ अहमद अंसारी, नाजीर अहमद यूसुफी, खुर्शीद घानी, खुर्शीद अदीब, साबरा खातुन हिना, मोहम्मद सरफराज आलम, हसन वर्षी, असलम खान, सैयद आलम सईद, सुलेमान सर इत्यादि उपस्थित रहे। यहाँ भी नाम था, वहां भी नाम हो, बागे गिरा में उनकी भी शान हो। यहाँ भी नाम था, वहां भी नाम हो, बागे गिरा में उनकी भी शान हो। यही दुआ है मेरी नबी के सबके, यही दुआ है मेरी नबी के सबके, तुझे बनी में उनका मुकाम हो, तुझे बनी में
उनका काम हो और चले गए जितना आत्मा उनके अंदर देकर चले गए दिमाग सुनकर लोग उनकी दुआ के लिए दिमाग सुनकर लोग उनकी दुआ के लिए गिरजा दुकान मस्जिद मंदिर चले गए कि अगर नमाज और फिर वो आदमी नहीं रहा तो अगर नमाज और फिर वो आदमी चला गया अगर नमाज और फिर वो आदमी चला गया बेबाक बोले और दुआ चला गया अगर नमाज और फिर वो आदमी चला गया बेबाक बोलने वाला सिपाही चला गया और जिससे यहां के सूरज को खौफ था जिनसे यहां के सूरज को खौफ था वरिष्ठ पत्रकार विकास प्रसाद के अनुसार नितुड़िया के पारवेलिया कोलियारी फुटबॉल मैदान में गणेश पूजा के दूसरे दिन रविवार को पारवेलिया सरस्वती क्लब तथा शशिभूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नितुड़िया ब्लॉक क्षेत्र के कुपोषण के शिकार 80 बच्चों को संतुलित आहार दिया गया ताकि वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर हरा भरा बन सके। इन्हें 6 महीने तक CDPO अनुमोदित यह आहार प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत पारवेलिया में गणेश उत्सव का शुरुआत करने वाले स्वर्गीय शशिभूषण प्रसाद यादव के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। छब्बीस अगस्त को माकपा द्वारा बुलाए गए विरोध दिवस के मद्देनजर माकपा नितुड़िया एरिया कमेटी द्वारा गुनियारा अंचल में 16 मांगों को लेकर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर CPIM नितुड़िया एरिया कमेटी के सदस्य सोमनाथ मिश्रा, लक्ष्मीकांत बावरी, गुनियारा नंबर 2 शाखा के सचिव रवि लोचन मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। माकपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी परिवार जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें अगले 6 महीने तक प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल मुफ्त में देने, प्रवासी श्रमिकों को प्रति माह 7,500 रुपये का भुगतान करने, रेलवे, कोयला, बिजली, बैंक इन सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण नहीं करने, प्रवासी श्रमिकों को अपने क्षेत्र में ही काम देने, महेश नदी बथानबाड़ी तक दामोदर नदी पर पुल बनाने की मांग की। बारावनी से मनोज शर्मा के अनुसार सलानपुर ब्लॉक के अंतर्गत रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत के समस्त नेता कर्मी और साधारण लोगों को लेकर एक विशेष कर्मी सभा का आयोजन किया गया। वहां उपस्थित रहे बारावनी विधायक, विधान उपाध्याय, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य मोहम्मद अरमान, स्थानीय रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान इत्यादि उपस्थित रहे। जेहेतु सामने 2021 विधानसभा निर्वाचन এবং এখন বর্তমানে লকডাউনও চলছে, লকডাউন মানে আমাদের COVID-19 চলছে, তো খুব বেশি ঘোরাঘুরি যাচ্ছে না এখন। সে কারণে আজকে রূপনারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত পঞ্চায়েত মেম্বার, পঞ্চায়েত প্রধান, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি, যত কর্মী আছে, বুথ কমিটি আছে, ক্লাবগুলো রয়েছে এই রূপনারপুর পঞ্চায়েতের মধ্যে, তাদেরকে এখানে ডেকেছিলাম যে এটা সাংগঠনিক পর্যালোচনা, যে সাংগঠনিক আমরা যেহেতু গত লোকসভা নির্বাচনে এখানে প্রতিটা বুথ থেকে আমরা কিছু কিছু ভোটে আমরা হেরেছি, তো সেই জন্য আমরা কী জন্য হেরেছিলাম এবং আগামী দিনে আমাদের প্রস্তুতি কীভাবে চলবে এই এইসব নিয়ে আলোচনা করা আছে। बारावनी ब्लॉक के पुचरा ग्राम पंचायत अंतर्गत मदनपुर रास्ते की हालत बहुत खराब है, जिसके कारण शनिवार की रात वहां 2 लोरी फंस गई थी, जिसे लगभग रविवार को लगभग 11 बजे के आसपास उसे निकाला गया और उसके बाद यातायात की परिस्थिति ठीक हुई। বলুন কি হয়েছিল? এই গাড়ি মনে করুন বারবার থেকে গেছে, রোড খারাপ, কোনো ডেলিভারি যদি যাওয়া যায় তাই গাড়ি নিয়ে 500 টাকা ডেলিভারি তো রাস্তাতেই খতম হয়ে যাবে।
তাহলে রাষ্ট্র সরকার দেখছে কি যত মনে করো সরকারের কোনো ভালো নাই যত রোড পাঠান দিছে এক নকল রোডে তো এই রোডের বেটে এই বালি লোড লয় কটা গাড়ি ফেসেছিল এখানে দুটো কাল একটা রাত্রে উঠাইছে আর এই একটা ফেসেছিল উঠি রোডের ব্যাপারে কো মাথা ঘামাচ্ছে আর অত টন বালি দিচ্ছে অত টন কয়লা দিচ্ছে নেচারন দিচ্ছে এটা এটা কি জায়গাটা কি বলে এটাকে এটা মদনপুর কি নাম আপনার অনুপ